खुले में माघसुदी त्रियोदशी पर भगवान विश्वकर्मा जी के प्राकट्य उत्सव पर विश्वकर्मा समाज द्वारा 5 दिवसीय संगीतमय विश्वकर्मा पुराण का आयोजन किया गया। विश्वकर्मा पुराण की कलश यात्रा भूसा मंडी रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर से प्रारंभ होकर गाजी बाजों के साथ नगर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। सुदी त्रयोदशी पर भगवान विश्वकर्मा के प्रकाट्य उत्सव के उपलक्ष्य में विश्वकर्मा समाज द्वारा 5 दिवसीय विश्वकर्मा पुराण का आयोजन किया गया है, जिसकी कलश यात्रा भूसा मंडी रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से अखाड़े और गाजी बाजों के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में विश्वकर्मा अखाड़ा आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें छोटे बच्चों की कला प्रदर्शन की, नगरवासियों ने सराहना की। विश्वकर्मा पुराण की कथा का वाचन अहमदाबाद गुजरात से आए आचार्य लक्ष्मण शास्त्री जी द्वारा किया जाएगा। ये आयोजन 2 फरवरी से 7 फरवरी तक किया गया है। कथा का समय दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। संवाददाता खुरई अमित दुबे। खुरई नगर में बड़े हर्षोल्लास का विषय है कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्वकर्मा पुराण विश्वकर्मा समाज के द्वारा किया जा रहा है और यह विश्वकर्मा पुराण का लगातार 6वां वर्ष है। और यह पुराण ही नहीं, एक के समाज सुधार के लिए एक बहुत अच्छी पहल है जो हमारी समाज द्वारा की जाती है। इस कार्यक्रम में विश्वकर्मा पुराण में विश्वकर्मा समाज ही नहीं अपितु सभी समस्त समाज उपस्थित होती हैं, धर्म लाभ लेती हैं। हमें लगता है ऐसे कार्यक्रम खुरई क्षेत्र में और हर एक क्षेत्र में होते रहने चाहिए, जिससे हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से एक समाज सुधार में एक नई पहल ला सकते हैं और यही विश्वकर्मा समाज का उद्देश्य है। और समस्त विश्वकर्मा वासियों को, प्रदेशवासियों को इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई। और खुरई की जो सक्रियता विश्वकर्मा समाज में लगातार कई वर्षों से दिखती आई है, वह वाकई में तारीफ़ काबिल है। और हम समस्त खुरई वासियों की समस्त सदस्यगणों, पदाधिकारी गणों को इस सफल कार्यक्रम की, लगातार 6वें सफल कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय।